हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ और एयरफोर्स में आपका रागा सेक्शन बहुत मजबूत कर लीजिएगा, इसको 5 नंबर का फिक्स है। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्या करती है और ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं लिया, बेसिक से मैं समझाऊँगा और इसमें छोटी छोटी चीज़ कैसे पकड़नी जाती है वो बताऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया या तो देखिए इसमें आया सब में समान तो आया से नहीं निकाल सकते, मैं सारी चीज़ इसमें बताऊँगा जिससे कि आपका देखिए बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बेसिक मजबूत हो जाएगा। इसमें एक गोला है, इसमें दो है, इसमें तीन है, अब इसमें लास्ट में चार आएंगे। इसमें देखिए इसमें एक गोला था, इसमें दो गोला है, इसमें तीन गोला है, इसमें चार गोले आ जाएंगे। तो चार गोला इसमें ये हो सकता है, इसमें तीन है नहीं होगा, इसमें चार है ये हो सकता है, इसमें नहीं होगा। देखिए मैं ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब ये दो दो को आप ऐसे पूरा गायब कर दीजिएगा कि इन दोनों को कोई मतलब नहीं, इन दोनों की कंडीशन है राइट होने की। मैं थोड़ा अच्छी तरह बताऊँगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला उसी में कोई राइट होगा। ठीक है, अब इसमें ये चार है, इसमें तीन है, इसमें दो है, तो मतलब एक आएंगे, तो एक इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ ये सिंपल है, लेकिन मैं आपको देखिए धीरे धीरे आपको कठिन भी कराऊँगा। ठीक है, चलिए पहला राइट है। दूसरे में क्या है कि ये जो आधा है या आधा आधा आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसमें आधा बढ़ा तो इसमें भी ऐसे होगा, तो या तो ये होगा, ये है नहीं, ये है नहीं, ये हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि ये जो है ये आपका ऐसे टाइप का थोड़ा दिखा रहा है, ना कि आयत दिखा रहा है। आयत तो इसमें ये गलत है, ये राइट हो गया। ठीक है, और ये सब में तो समान है, ऐसे तीर ये है, चार तीर हैं, इसमें सब में समान है। तीर से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे निकाल सकते थे। ये आपका थोड़ा ऐसे टाइप का जा रहा था, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दिया गया, देखिए ये थोड़ा सीधा है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा सीधा हो गया और थोड़ा तिरछा होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे किस ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मतलब इधर किस तरफ है, इधर ही है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए अब इसमें चौथे में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये चौथा आप करिएगा, वीडियो रोक के ज़रा 2 मिनट करके देखिएगा पहले। चलिए कर लिया होगा, अब देखिए क्या होगा, इसको अच्छी तरह समझिएगा। पहले प्लस को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, चारों समान है तो ये देख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिमाग ऐसे भी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्लस को देखते हैं पहले। प्लस दो बार समान इधर, चलिए दो बार समान, फिर नीचे देखिए बढ़ता आ रहा है, नीचे वो बढ़ता आ रहा है, इधर आया तो इधर दो बार आपका समान हो गया। अब ये इधर ऐसे बढ़ता आ रहा तो अब इधर आएगा, मतलब दो बार इधर समान होगा, जो कि आपका किनारे होगा, मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए बल्कि। तो ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप थोड़ा ये इन पर बिल्कुल फोकस मत करिएगा, बी और सी में, वरना ऐसा होता है कि इस पर भी फोकस चला जाएगा तो और कंडीशन बन जाती है, आपके गलत होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन आप जैसे कि बी और सी में लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा फोकस रहेगा, तो यही दो तो आपके राइट होंगे। जब इसमें प्लस नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बी और सी में कोई हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये गुड़ा है, इसमें देखिए मैं आपको थोड़ी कंडीशन भी बताऊँगा कि होता है कि कोई कोई जैसे कि अभी मैं सवाल बताऊँगा इसमें क्वेश्चन में। देखिए गुड़ा इधर था तो इधर आ गया, दूसरा कंड तीसरे में इधर चला गया, चौथे में फिर वापस इधर आ गया। ठीक है, अब जैसे कि ऐसे गुड़ा ऐसे गया, अब वापस फिर ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि बी और सी में था तो ये यहाँ वापस फिर ऊपर थोड़ी चला जाएगा, वो इधर आने के ज़्यादा चांस है, तो ये आपका गुड़ा ज़्यादा सही है, ये दोबारा फिर वापस उस आकृति में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ऐसी भी कंडीशन बनती है कहीं कहीं कि ये सुटेबल नहीं होता है तो ये इसको सुटेबल मान लिया जाता है। ठीक है, ऐसा है देखिए कि ये सब दी गई हैं आकृति। ठीक है, इससे आधा गायब किया गया और इससे फिर ये वाला आधा गायब किया गया, अब इससे पूरा ये आता आधा आधा करके ये पूरा गायब कर दिया गया। और जितना अब मान लीजिए इसमें आधा गायब किया गया था तो यही आधा इसमें लगा दिया गया, इसमें इतना आधा गायब किया गया तो इसमें लगा दिया, इसमें पूरा ऐसे गायब हुआ था पूरा ऐसे लगा दिया। अब कोई बात नहीं, ठीक है, अब ये आकृति के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उत्तर आकृति क्योंकि पूछी गई है तो इसमें देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इसमें आधा गायब होगा तो आधा इसमें ऐसे लग जाएगा, तो आधा इसमें लगा है, चलिए ठीक है, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। जितना यहाँ पर हट रहा उतना यहाँ पर लग रहा है, बात खत्म। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये पहली बात तो मैं आधी लाइन पे ही है, पूरी लाइन तो इतनी होती है, ये आधी लाइन पे है तो इसको आधी लाइन कह सकते हो, ये आधी लाइन पे है। ठीक है, अब ये सीधा था तो बाद में उल्टा हो गया, समझिएगा, सीधे के बाद उल्टा हो रहा है। अब ये आधी लाइन के बाद तो ये आप कितनी लाइन पर, ये आपका रुकिएगा, ये आधी लाइन पर था। ठीक है, फिर ये कितनी लाइन पर था, ये एक लाइन पर था, फिर ये डेढ़ लाइन पर आ गया।
अब ये दो लाइन पे आएगा, मतलब कि आधा आधा, मतलब टोटल एक लाइन, फिर आधा आधा, मतलब दो लाइन, ये मतलब यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इतना नहीं पता कि ये नहीं पता कि ऊपर है कि नीचे, अभी कंडीशन आपको लगेगी। रुकिएगा, यहाँ रहेगा या तो डी होगा या तो सी होगा, यहाँ ये सब नहीं है क्योंकि बीच में कहा था हाई दर। तो ये और ये दो में हो सकता है, चलिए तो सी होगा या तो डी होगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, तो आप सोचेंगे कि ऐसे होना चाहिए लेकिन उल्टा होना था ना, तो इसलिए ऐसे बना था। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान से। तो उल्टा हो गया क्योंकि क्योंकि आपका देखिए सीधा था फिर उल्टा हो गया, फिर ये सीधा आपका ऐसे जा रहा, फिर इसका यहाँ पे सोचेंगे ऐसे होगा लेकिन उल्टा करना था ना, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात क्या है, देखिए ज़रा कि देखिए ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये तो सब में बराबर हैं, केवल यही ये जो लाइन लगी है इस पर फोकस करिएगा बस। इसमें देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये कितनी लाइन के बाद है, एक लाइन के बाद लगाए, ठीक है, एक लाइन के बाद लगा, ध्यान रखिएगा, एक लाइन के बाद लगा। अब ये कितनी, ये दो दो लाइन के बाद में लगा, ठीक है, तो समझ रहे होंगे, एक लाइन के बाद में लगा, दो लाइन के बाद लगा। अब ये कितने में लगा है, एक दो तीन, ये तीन लाइन के बाद लगा। अब चार लाइन के बाद लगेगा, एक दो तीन चार। तो देखिए देखिए, तो यहाँ लगने के चांस थे, इधर साइड लगने के चांस, तो लेकिन कहीं कहीं नहीं दिया गया। पर लेकिन एक कंडीशन इसमें दूसरी रूल फॉलो कर सकते हैं, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि ये इधर जा रहा था, अब ये इधर जा रहा है, जस्ट इसका उल्टा जा रहा था, तीर इसका उल्टा मान सकते हैं। जब ये अब इधर, ये जब मान लीजिए ये इधर जा रहा है, तो ये आपका इधर जाएगा तीर, ठीक है, मतलब तीर नहीं, ऐसे कर सकते, इसी को तीर मान लिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, इसमें ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, इसमें ऐसे ऊप नहीं जा रहा, ये केवल जा रहा है, डी ऑप्शन राइट है, ऐसे भी देख लिया जाता है। अब इसमें क्या है कि दो बराबर हैं, अब इसमें चला गया दूसरे में, अब दो बार इसी में है, ठीक, अच्छी बात है। अब तीसरे में इधर आ गया, तो दो बार इधर ही होना था ना, तो दो बार आपका इधर ही रहेगा क्योंकि दो बार आपका समान राय की जगह, अब नीचे आ गया तो दो बार इसमें समान रहेगा। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, घोड़ा देखिए दो बार समान है, अब इधर आ गया दो बार, तो अब इधर इधर आ गया क्योंकि ऐसे बढ़ रहा है ना, तो दो बार इधर है, दो बार इधर है, दो बार मतलब देखिए कि मतलब दो बार इसमें इधर ही था और आपका दो बार इसमें इधर ही था, आधा आधा बढ़ता जा रहा था, मतलब इधर की ओर बढ़ता जा रहा था, तब इसका इधर होगा, तो आपका ऐसे बनेगा भाग, मतलब बराबर इसका टू है बराबर, ठीक है। तो गुड़ा ये वो, तो ये ऑप्शन राइट है, ये गलत हो गया क्योंकि गुड़ा आपका ऊपर आना था, ठीक है, मैंने समझा भी दिया, ठीक है, क्योंकि गुड़ा आपका ऐसे बढ़ता जा रहा था, तो यहाँ के बाद यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों चीज़ को पकड़ कर लेनी चलनी पड़ेगी। देखिए ये तीर को ले लीजिए, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, अब इधर तीर बनेगा, इधर तीर किस आकृति में, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, यह आकृति नहीं है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा, हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करिएगा। तो करने का तरीका बस सीखिएगा कि कैसे एलिमेंट किए जाते हैं और कैसे कैसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, मैं आपको हार्ड भी लाऊंगा, ठीक है, बस चिंता मत करिएगा। बी और सी में देखिए क्या होगा कि इधर है, इधर है, इधर है, मतलब देख रहे होंगे 45 पे जा रहा, अब इधर है तो अब सीधा जाएगा, सीधा वो भी इधर जाएगा, तो ये केवल इसी में तो है, इसमें तो नहीं होगा, तो सिंपल सा है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, देखिए ये थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा, ये इसमें है, ये इसमें 45 है, ये इसमें सीधे 45, इसमें 45, इसमें सीधा रहेगा, सीधा किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें क्या है कि ये नीचे है, समझ लीजिए, या तो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये इधर है, फिर ये जस्ट इसका उल्टे में उल्टा हो रहा है, जब इधर है तो फिर देखिए ये इधर बन रहा है, डंडी के इधर बन रहा चिन्ह, तो अब इधर बना, अब डंडी के इधर बन रहा, तो अब आपका इधर बनेगा, अब यही चीज़ लिटा दी जा रही तो ऊपर ऐसे बनेगा, ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखिए ये 10 क्वेश्चन थे और इसमें देखिए करने का तरीका क्या होता है, मैंने केवल यही बताया इसमें, ठीक है, कठिन क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा सिंपल थे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।